अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई रियली होप सब खैरियत से होंगे। आज वेरी स्पेशल पिज़्ज़ा बन रहा है, तंदूरी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने फ्लेम ऑन कर लिया है, फ्राई पैन रख दिया है। फ्राई पैन में डालेंगे हम ऑयल, 4-5 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम बोनलेस चिकन ले ली थी मैंने, पीसीस कर लिए, 1/2 kg है ये। इसको इसमें डाल के स्टर फ्राई करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे मैं फिलिंग बना रही हूँ 4 पिज़्ज़ों की, ठीक है। आज गेस्ट आए हुए हैं तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। तो ये जितनी भी चिकन है, 1/2 kg है, इसको हम 4 पिज़्ज़ों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको 2 बनाने हैं तो आप 1/2 क्वांटिटी कर सकते हैं सब चीज़ों की। तो यहाँ पे हम ऑयल में अच्छी तरीके से तेज़ आँच पे इसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चाय के चम्मच, और बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। इसके बाद हम डालेंगे 1/4 कप, 1/4 कप दही, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसमें डालेंगे तंदूरी मसाला, 2 खाने के चम्मच भर के तंदूरी मसाला डालेंगे हम इसके अंदर। आपको अगर कम बनाना है तो क्वांटिटी 1/2 भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मुझे 4 पिज़्ज़ा बनाने हैं तो मैंने उस हिसाब से सारी चीज़ें ली हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स, और सब चीज़ों ने पानी छोड़ दिया है। तो मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद, कवर कर देंगे इसको। तो 5 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर दिया था, ठीक है। ये देखिए इसमें अभी पानी है, इसको हम थोड़ी देर के लिए और कवर करके रखेंगे। जब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ये देखिए इसमें है थोड़ा सा पानी, हम 5 मिनट के लिए और इसको कवर करके रख देंगे। तो 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और इसकी जो टॉपिंग है वो हो गई है तैयार। ये देखिए पानी सारा खुश्क हो गया है। अब सेंटर में हम थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे और कोई भी प्याली रख देंगे, कोयला रख देंगे और ऑयल डालेंगे और इसको कोयले का दम दे देंगे। तो टॉपिंग हमारी रेडी हो गई है। और जो होल है, होल को आप इसको किसी भी चीज़ से बंद कर दीजिए, शॉपर से, थैली से या कोई भी फॉइल वगैरह से। अब यहाँ पे मैंने डो इसकी प्रॉपर गूंद ली थी, रख दी थी, ठीक है। और हाथों को ग्रीस कर लिया और पंच करेंगे ताकि सारी एयर निकल जाए। दोबारा से एक बार इसको गूंद लेंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पिज़्ज़ा बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी। तो उसकी क्वांटिटी जो थी वो 2 पिज़्ज़े की थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने, मुझे 4 बनाने हैं तो मैंने क्वांटिटी डबल कर दी, ठीक है। तो आपको अगर 2 बनाने हैं तो 1/2 कर दीजिए, ठीक है। 2 मैंने पहले से गूंद ली थी, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब यहाँ पे हमने पैन ग्रीस कर लिया है और डो देखें कितना सॉफ्ट है इसका। और डो के 4 हिस्से कर लिए थे, एक हिस्से को हमने फैला लिया। अच्छी तरीके से इसको फैला लेना है, हाथों की मदद से फैलाना है। ये देखें फैलाने के बाद मैंने इसको साइडों से थोड़ा सा उठा दिया है, ठीक है। ये डन हो गया है और फोक की मदद से हम इस पर इस तरह से प्रिक कर देंगे ताकि सेंटर से नहीं फूले। इसके बाद हम पिज़्ज़ा सॉस होममेड जो हमने बनाया था उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं। ये होममेड सॉस है, ये हम लगाएंगे, ठीक है। सॉस डालेंगे और इसको स्प्रेड कर देंगे बहुत अच्छे से। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इसका फ्लेवर। बस आप लोग बाहर जाना भूल जाएंगे, इसको हमारे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो ना आप लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे, ना आप लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए बाहर जाएंगे, घर में ही बनाएंगे। तो सॉस हमने कर दिया है स्प्रेड, और चेडर चीज़ ग्रेट करके रखी थी वो डालेंगे। इसके बाद ये हमने तंदूरी टिक्का बनाया था मसाले से, तंदूरी मसाले से, तो वो हम डाल देंगे। ज़्यादा डाल लीजिए, कम डाल लीजिए, जो पसंद हो। मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँगी, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च और प्याज काट के रखी है, जितनी ज़रूरत हो उतना आप डाल लें। चकोर चकोर मैंने काट ली थी, शिमला मिर्च भी डाल देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने ये डाल दी। इसके बाद मैंने मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके रखी थी, वो भी हम इसमें डाल देंगे ऊपर से।
और पिज़्ज़ा हमारा हो गया है ओवन में जाने के लिए तैयार। और अब हम इसको ओवन में नहीं डालेंगे, ये देखिए। आपको पता है कि मैंने केक भी इसी देगची में बनाया था, तो आज पिज़्ज़ा भी हम इसी देगची में बनाएंगे। प्री हीट कर लिया है हमने आधे घंटे के लिए देगची को, ठीक है। तो अच्छी तरीके से ये गर्म हो चुका है और अब हम इसके अंदर पिज़्ज़ा रखेंगे। फ्लेम कर देंगे स्लो, स्लो फ्लेम कर दिया, पिज़्ज़ा रख दिया, ये देखिए। और अब हम इसको कवर कर देंगे 15 मिनट्स के लिए। मिलते हैं आपसे 15 मिनट बाद। जी जनाब, तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, बेहतरीन सा लाजवाब सा तंदूरी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा हो गया है रेडी। डो देख लेते हैं, ये देखिए ब्रेड, कितनी ही बेहतरीन सॉफ्ट, घर में बहुत अच्छी ब्रेड बनती है इसकी, नरम मुलायम। और आप इसको ज़रूर हमारे तरीके से बनाइएगा, काट के भी दिखा देते हैं आपको। खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है, ये देखिए माशाल्लाह से। जितना देखने में मज़े का है उतना खाने में इससे ज़्यादा मज़े का है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा, पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। ये देखिए इसकी डो कितनी नरम है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी सी यमी सी रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।